कोनिचिवा, वेलकम बैक टू ओहायो जापानीज। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे N5 लेसन 3 के ग्रामर पॉइंट्स। लेट्स स्टार्ट। आज हम इन 6 ग्रामर पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एंड में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको आप जरूर ट्राई करना। तो सबसे पहले है कोको सोको आसोको ओचीरा सोचीरा अचीरा। तो लेसन 2 में हम लोगों ने कोरे सोरे आरे के बारे में डिस्कस किया था, जो किसी चीज के लिए यूज किया जाता है। स्पीकर के पास वाले चीज के लिए कोरे, लिसनर के पास वाले चीज के लिए सोरे, और जो स्पीकर और लिसनर दोनों से दूर है उस चीज के लिए आरे। बट इन दिस लेसन कोको सोको आसोको और होचीरा सोचीरा आचीरा ये सब यूज होता है किसी प्लेस के लिए। ओके, कोको मतलब दिस प्लेस, जहां पे अब मैं बात कर रही हूं, मैं जिस जगह पे खड़ी हूं वो है कोको। इसी तरह सोको, जहां पे लिसनर है, लिसनर जिस जगह पे खड़ा है उस जगह को बोला जाएगा सोको। और असोको है वो जगह जो जगह लिसनर या फिर स्पीकर दोनों से दूर है, उस जगह के लिए है असोको। इसी तरह डायरेक्शन बताने के लिए होता है कोचीरा, दिस वे, जो स्पीकर के एकदम नजदीक है उस जगह के डायरेक्शन को दिखाने के लिए सोचीरा। वैसे ही जहां पे लिसनर है उस जगह के डायरेक्शन को बताने के लिए, और जो स्पीकर और लिसनर दोनों से थोड़ा दूर है उस जगह के डायरेक्शन के लिए आचीरा। ओके, बट कोचीरा सोचीरा आचीरा का एक और यूज है कि इनको हम कोको सोको और आसोको के पोलाइट वर्जन के लिए भी यूज कर सकते हैं। कोको को अगर वेरी फॉर्मल वे में हम बताना चाहते हैं तो कोचीरा, वैसे ही सोको के लिए सोचीरा और आसोको के लिए आचीरा। बट एक चीज ध्यान रखना, सोको या फिर सोचीरा ये हम एक और सिचुएशन में भी यूज कर सकते हैं। सपोज स्पीकर और लिसनर दोनों एक ही जगह पर है, जब दोनों के बीच डिस्टेंस लगभग नहीं है, उस सिचुएशन में जो थोड़ी दूर पे जो जगह है उस जगह को, जो दोनों से ही थोड़ी दूर है, उस जगह को सोको बोला जाएगा। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, जब ये दोनों साथ में है, एक ही जगह को शेयर कर रहे हैं, उस सिचुएशन में जहां पर ये दोनों है उसी जगह को ये कोको बोलेंगे, स्पीकर उसी जगह को कोको बोलेगा, और इन दोनों से जो थोड़ी दूर पर है इस जगह को बोलेगा सोको, और इन दोनों से जो काफी दूर पर है उस जगह को असोको। जब दोनों अलग अलग जगह को शेयर कर रहे थे तब इस जगह को बोला जाएगा कोको, क्योंकि स्पीकर इस जगह पे है, और इस जगह को बोला जाएगा सोको क्योंकि इस जगह पे लिसनर है, और इन दोनों से काफी दूर पर है ये जगह, इसको बोला जाएगा असोको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा N1 वा N2 दिस, जहां N2 किसी प्लेस के बारे में है। ओके, N2 से जगह को, किसी जगह को बताया जा रहा है। तो इस सेंटेंस पैटर्न से क्या होता है, किसी प्लेस के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है, कोई इंसान हो या कोई चीज हो वो कौन सी जगह पर है। ठीक है, जगह को हमें एक्सप्लेन करना है, उस सिचुएशन में ये पैटर्न होगा N1 व N2, जहां पे प्लेस आ जाएगा N2 में और फिर देश। चलिए एग्जांपल देखते हैं एक, द कैंटीन इज ओवर देयर। तो कैंटीन कहाँ पर है, हम उस जगह को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वहां, ओवर देयर मतलब बहुत नजदीक नहीं है, थोड़ी दूर पर है वो जगह। तो कैसे बताएंगे हम, तो कैंटीन शोकुदो,
शोकोदो वा और ओवर देयर, इसके लिए वर्ड है असोको। शोकुदो वा असोको देस, शोकुदो वा असोको देस। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। किसी पर्सन के बारे में अगर पूछना है तो मिस्टर नारंग इज ऑन द सेकेंड फ्लोर, तो जिसके बारे में बात हो रही है वो है N1, और वो किस जगह पे है, जिसके बारे में बात हो रही है वो किस जगह पर है, वो है N2। मिस्टर नारंग के लिए नारंग सान, नारंग सान वा फ्लोर का काउंटिंग बताया था मैंने वोकेबुलरी के वीडियो में। तो सेकेंड फ्लोर क्या हो जाएगा, निकाई, सेकेंड फ्लोर निकाई। नारंग सान वा निकाई देश, नारंग सान वा निकाई देश। आगे के लेसन में हम इसको किसी और तरीके से भी बोलेंगे, जब हम वर्ब्स के वोकेबुलरी सीख लेंगे तब हम इसको किसी और तरीके से भी बोल सकते हैं, बट फॉर नाउ आप बोल सकते हैं नारंग सान वा निकाई देश। अच्छा, हमेशा कोको सोको असोको N2 के जगह पे ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, इसको हम उल्टा करके भी बोल सकते हैं। सपोज स्पीकर जहाँ है वो जगह है क्लासरूम, दिस इज क्लासरूम। दिस यानी इस प्लेस के बारे में बात हो रही है, दिस इज मतलब दिस प्लेस इज। ओके, तो कोकोवा और क्लासरूम के लिए क्योशित्सु, कोकोवा क्योशित्सु दिस, कोकोवा क्योशित्सु दिस। ओके, दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है दोको और दोचिरा, वेयर और व्हिच वे। दोको का मतलब है वेयर और दोचिरा व्हिच वे, व्हिच डायरेक्शन। और दोचिरा को हम दोको के पोलाइट इक्विवेलेंट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कोको के लिए कोचिरा, सोको के लिए सोचिरा और असोको के लिए अचिरा हुआ था, इसी तरह दोको का पोलाइट दोचिरा। एग्जाम्पल लेते हैं, वेयर इज द रेस्ट रूम, तो रेस्ट रूम को क्या बोलते हैं, तोयरे, या फिर और पोलाइट वे में अगर बोलना चाहते हैं तो ओतेआराई, ओतेआराई वा कहां पर है, दोको, ओतेआराई वा दोको देश का, इट्स देयर असोको देश। पूरा पूरा अगर ना बोले चलता है, सिर्फ असोको देश। वन मोर, वेयर इज द एस्केलेटर और लिफ्ट, वेयर इज द लिफ्ट, ऐसो करे ता वा दूसरा देश का। अगर ये डायरेक्शन पूछने वाली चीज है किस तरफ है, तो ऐसो करे ता वा दूसरा देश का, इट्स इन दैट डायरेक्शन। ओके, इट्स देयर। एक्चुअली इंग्लिश में तो बोला नहीं जाता इस तरह से कि इट्स इन दैट डायरेक्शन, नॉर्मली बोला जाता है कि इट्स देयर, बट इसको जैपनीज में हम अचिरा देश बोल सकते हैं, अचिरा देश। ओके, अब दोको और दोचिरा के लिए भी एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, कि दोको या फिर दोचिरा इन दोनों को हम किसी कंट्री का नाम, किसी कंपनी का नाम, स्कूल या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे कोई पर्सन बिलोंग करता है उस जगह के नाम को जानने के लिए भी दोको या दोचिरा से क्वेश्चन किया जा सकता है। तो उस सिचुएशन में जनरली नान नहीं पूछा जाता है कि क्या है तुम्हारा कंपनी, क्या है नान, इस तरह से जनरली पूछा नहीं जाता है। अगर दोचिरा और दोको से पूछा गया है तो समझ लेना कि वो नाम जानना चाहता है। डिपेंडिंग ऑन द कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन किस तरफ जा रहा है उस हिसाब से ये इसका मीनिंग हो सकता है, कि दोको और दोचिरा से कौन से कंपनी या कौन से स्कूल या फिर कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं ये पूछा जा रहा है। ठीक है, सपोज व्हाट्स द नेम ऑफ योर स्कूल, इसके लिए भी
दो को यूज कर सकते हैं, दो को यूज किया जा सकता है इसके लिए भी। स्कूल को गाको बोला जाता है, गाको वा दोको देश का, गाको वा दोको देश का, ठीक है। ये गाको का, इसके रिप्लाई में आप गाको का स्कूल का नाम बोल सकते हैं। जब कोई कन्वर्सेशन होता है तो दोनों को पता चल जाता है कि किस बारे में बात हो रही है, वो क्या जानना चाहता है, ठीक है। अगेन, व्हाट कंपनी डू यू वर्क फॉर, तो कंपनी का नाम पूछ रहे हैं। उस सिचुएशन में भी हम बोल सकते हैं कंपनी के लिए कौन सा वर्ड है, काइशा। काइशा वा दोचिरा देस्का, काइशा वा दोचिरा देस्का, ओके। इसके रिप्लाई में आप अपना कंपनी का नाम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 है, N1 नो N2। नो अभी थर्ड टाइम है नो पार्टिकल का यूज। यहाँ पर N1 नो N2 में सिचुएशन ये है, अगर N1 कंट्री का नाम है और N2 किसी प्रोडक्ट का नाम है, तो N1 नो N2 हो जाएगा उस कंट्री का बनाया हुआ प्रोडक्ट, ओके। सिमिलरली अगर N1 कोई कंपनी का नाम हो गया और N2 किसी प्रोडक्ट का नाम हो गया, तब ये हो जाएगा उस कंपनी का बनाया हुआ प्रोडक्ट। N1 नो N2 में हो जाएगा उस कंपनी का बनाया हुआ प्रोडक्ट, ओके। और इस सिचुएशन में अगर दोको नो N2, N1 की जगह पे अगर दोको है, तो क्वेश्चन कर रहे हैं ये प्रोडक्ट कौन से कंट्री में बनाया गया है या फिर कौन से कंपनी में बनाया गया है, ओके, मेड बाय हुम, ओके। एग्जांपल है, वेयर इज दिस कंप्यूटर मेड और हु इज द मेकर ऑफ दिस कंप्यूटर। इसके लिए कोरे वा, क्योंकि इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर हो रही है, दिस थिंग है तो कोरे, कोरे वा दोको नो कंप्यूटर देश का, कोरे वा दोको नो कंप्यूटर देश का, ओके, दोको नो कंप्यूटर। तो इस जगह पे अगर रिप्लाई है इट्स मेड इन जापान, तो ये हो जाएगा निहोनो कंप्यूटर देश, निहोनो कंप्यूटर देश। अगर अगर सेंटेंस ये है दिस कंप्यूटर इज मेड बाय तोशिबा, तोशिबा एक जापानीज कंपनी है, तो तोशिबानो कंप्यूटर देश, तोशिबानो कंप्यूटर देश, ओके ओके। फिफ्थ पैटर्न में है को सो आ दो, ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स के सिस्टम है। ये कैसे यूज होते हैं इसके बारे में, तो अगर को सीरीज, सो सीरीज, आ सीरीज और दो सीरीज को हम देखते हैं, को सीरीज में है कोरे, कोनो प्लस नाउन, कोको और कोचिरा। सो सीरीज में है सोरे, सोनो प्लस नाउन, सोको, सोचिरा। आ सीरीज में है आरे, आनो प्लस एन, आसोको और अचीरा। और दो सीरीज में है दोड़े, जो हमें अभी तक नहीं मिला है, वो लेसन 8 में है, दोनों प्लस एन, ये लेसन 16 में है, आगे चल के मिलेगा। और जो अभी मिला है हमें इस लेसन में, दोको और दोचीरा, ओके। तो कोड़े सोड़े आड़े दोड़े, किसी चीज के बारे में जब बात हो रही है और वो चीज स्पीकर से कितने दूरी पे है, उसके लिए यूज होता है कोड़े सोड़े आड़े और दोड़े। और कोनो प्लस एन, सोनो प्लस एन, आनो प्लस एन, दोनो प्लस एन, ये थिंग्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं और साथ ही किसी पर्सन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ओके। जैसे कोनो हितो, तो ये हो गया थिंग्स और पर्सन दोनों के लिए। नेक्स्ट
जब किसी प्लेस के बारे में बात करना है तो कोको, सोको, आसोको और कौन से प्लेस क्वेश्चन वर्ड में होता है दोको। अब डायरेक्शन और प्लेस, प्लेस का पोलाइट वर्जन के लिए पोचीरा, सोचीरा, आचीरा और क्वेश्चन वर्ड में दोचीरा यूज होता है। तो को से पता चलता है कि वो स्पीकर के नजदीक है, सो से पता चलता है कि वो लिसनर के नजदीक है, आ से पता चलता है कि ये स्पीकर या फिर लिसनर दोनों से ही दूर है, और दो से पता चलता है कि ये एक क्वेश्चन वर्ड है कि कौन सा चीज है या फिर कौन सी जगह है, कौन सा डायरेक्शन है, इन सब के लिए दो। वेरी सिंपल। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट, ओ कुनी। ओ कुनी, ओ कब यूज होता है? जब स्पीकर लिसनर को या फिर किसी थर्ड पर्सन को रेस्पेक्ट शो करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमें पूछना है वेयर आर यू फ्रॉम, उस सेंस में हम ओ कुनी, कुनी का मतलब है कंट्री, और ओ कुनी अगर यूज करेंगे तो ये ऑनरिफिक है, ओ इज ऑनरिफिक। तो ओ कुनी वा, जैसे अभी अभी हम लोगों ने सीखा था कि दोचीरा यूज करेंगे। ओके, ओ कुनी वा दोचीरा देश का, ओ कुनी वा दोचीरा देश का। ओके, जब हम अपने देश के बारे में बात करेंगे तो कुनी बोलते हैं, बट किसी और को अगर पूछना है, रेस्पेक्ट हम किसी और को ही देंगे, अपने आप को तो नहीं देंगे जनरली, तो उसके लिए होता है ओ कुनी। सामने वाले से जब हम पूछते हैं तो ओ कुनी, ओ कुनी वा दोचीरा देश का, रिप्लाई में आ सकता है अमेरिका देश, इंडो देश, जो भी लिसनर का कंट्री होगा वही बताएंगे। ओके, इसी तरह हम अगर किसी का नाम भी पूछते हैं तो हम बोलते हैं ओनामाएवा। लेसन वन में हम लोगों ने सीखा था ये भी नामाए होता है सिर्फ नाम के लिए, और ओ हो जाता है ऑनरिफिक। ओके, ओ हम प्रीफिक्स के तौर पे यूज करते हैं। आगे ऐसे बहुत से वर्ड्स मिलेंगे जिसमें इस तरह ओ को हम ऑनरिफिक्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। ओके ओके, अब कुछ प्रैक्टिस है जिसमें आप जान पाओगे कि आप लोगों को अब तक कितना समझ आया। रेडी, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके, इनमें क्या है, थ्री ऑप्शंस होंगे जिसमें से आप लोगों को करेक्ट आंसर चूज करना है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, काइशा वा दोको अब्लिक नान अब्लिक कोको देश का, उसके रिप्लाई है असोको देश। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों को ज्यादा टाइम चाहिए तो यू कैन पॉज और फिर प्ले कर सकते हो। तो इसका सही आंसर है दोको, क्योंकि काइशावा अगर नान देश का पूछेंगे तो इस तरह से पूछा नहीं जाता है कि क्या है कंपनी, और काइशावा कोको देश का, तो ये कंपनी यहां है क्या, तो इसके रिप्लाई में डायरेक्टली वहां है नहीं बोल सकते, नहीं कंपनी वहां है, इस तरह से हाई या फिर ईए में पहले जवाब आएगा, उसके बाद ही असोको देश बोलना है तो बोल सकेगा। इसीलिए अगर बोलेगा काइशा वा दोको देश का, काइशा कहाँ पे है, तब ये जवाब आएगा कि असोको देश वहां पर है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ कुनी वा असोको अब्लिक दोचीरा अब्लिक निहोन देश का, रिप्लाई है अमेरिका देश। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो द राइट आंसर इज दोचीरा। ओ कुनी वा दोचीरा देश का, अभी अभी बताया था कि आपके कंट्री का नाम क्या है पूछने के लिए भी दोचीरा यूज किया जाता है। तो अगर क्या है पूछेंगे, आपके कंट्री का नाम क्या है, तभी जवाब आएगा कि अमेरिका देश।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनो कामेरा वा डोको अब्लिक नान अब्लिक इकुरा देश का रिप्लाई है सम्मान हस्तेन एन देश, सम्मान हस्तेन एन देश, सम्मान हस्तेन एन मतलब 38,000 येन जो जैपनीज करेंसी है येन। ओके, तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है इकुरा। वोकेबुलरी के वीडियो में मिला था हमें इकुरा यूज होता है किसी चीज का कीमत पूछने के लिए। तो यहाँ पे दोको या फिर नान तो सुइटेबल है ही नहीं, तो राइट आंसर है इकुरा देश का। ओके, लास्ट क्वेश्चन, कोको वा उकेत्सुके अब्लिक कौन अब्लिक नान देश का रिप्लाई है ये जिमुशो देश। What is the right answer? Okay, I'm telling the answer. Uketsuke will be the right answer. Koko wa uketsuke desu ka? Kya ye reception desk hai? To agar nahi hai, tab bolenge ye jimusho desu. Nahi, ye office hai. Theek hai? To hon aur nan. Koko wa hon desu ka? जब कोको यूज कर लिया तो किसी चीज को नहीं बोल सकते, किसी प्लेस को बोलना पड़ेगा। अगर हमें पूछना है कि ये हॉन है क्या, तब हम कोको के जगह पे कोरे यूज करेंगे, कोरे वा हॉन देश का, है ना? इसीलिए हॉन तो रॉन्ग है और कोको वा नान देश का। इस तरह से क्वेश्चन एक्चुअली होता भी नहीं है और रिप्लाई में ये भी यूज नहीं होता। तो राइट आंसर इज उकेत्सुके। ओके, आई होप आप लोगों को कुछ हद तक हेल्प मिली है लेसन 3 के ग्रामर पॉइंट्स को समझने में। सो इफ यू एंजॉयड द वीडियो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे वीडियो कब आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। सायोनारा।